हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेवार मैकेनिकल में अब लोग का स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि टाटा 2523 BS4 मॉडल का आपका फैनवेल कैसे फिटिंग किया जा सकता है या फिर कैसे फिटिंग करें, वो आप लोग देख लीजिए। अब लोग को दिखाने वाला हूँ कि मैं आज फैनवेल कैसे लगाया जा सकता है, एकदम अच्छी तरीके से दिखा लेंगे क्योंकि इसका फैन खुला हुआ है। सो आपको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, देखते रहिए। सो ये एडजस्ट बेल्ट टेंशनर जो है वो आपको थोड़ा सा उठा के इसको बेल्ट को थोड़ा निकाल के आपको दिखाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा अकेले होने के लिए मतलब नहीं कर पाया। सो इसके अंदर में आप डाल सकते हैं फैन बेल, पहले सबसे पहले तो इसके अंदर डाल लीजिए फैन बेल, उसके बाद फैन का पुली में ले जाइए, डायनामो और फ्री बेरिंग के नीचे से लेके जाइएगा जो कि वाटर पंप में और कैरिंग शाफ्ट में लग जाए। सो देख लीजिए अच्छे से, एकदम आप लोग अच्छे से समझा रहे हैं हम, कोई ताकि दिक्कत ना हो। अभी देख लीजिए एडजस्टर में लगा रहे हैं रैचेट, जो कि ये एक बेल्ट टेंशनर है जो एडजस्टर है, ये ऊपर नीचे करने से आपका लूज होगा फैन, आराम से निकाल सकेंगे। इसको थोड़ा पीछे कर लेंगे, हाँ ठीक है, इतना में करके आराम से लग जाता है, देखिए आराम से लग जाता है। बस खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये आपका बेल्ट टेंशनर के नीचे से वाटर पंप में आएगा, देख लीजिए अच्छे से, बेल्ट टेंशनर के नीचे से आपका वाटर पंप में आएगा। अब लोगों को फैन खोल के अच्छी तरीके से दिखा दिया है हम दिखा दिया है। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फैन बेल्ट लगाने में। अभी जो BS4 टाटा में आया हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस है, जो कि आपका टेंशनर है वो नीचे दे दिया है और इसके अंदर से आपका फैन बेल्ट गया हुआ है। सो गाइज, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, इतना ही है बस। थैंक यू सो मच।